पटना से लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं बीरपुर में। मेरे पीछे पिपरा गांव है और आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं उसमें बौद्ध स्तूपा केसरिया 51 किलोमीटर, बापू धाम चंद्रैया 76 किलोमीटर, बौद्ध स्तूप लौरिया नंदनगढ़ 155 किलोमीटर है। और हम चल रहे हैं जो 70 घाट पुल का निर्माण हुआ है उसका अपडेट देने के लिए। बंगला घाट, केसरिया, साहेबगंज, देवरिया, विराट रामायण मंदिर का ऑफलाइन और लाइव वीडियो के द्वारा अपडेट दिया है। 70 घाट का भी लाइव अपडेट दिया है। अब ऑफलाइन अपडेट 70 घाट का मैं देने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं सुहाने सफर पर। इस सफर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो विनती है कि बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि इस सफर पे मैंने बहुत मेहनत की है। और ये सामने चला जाता है रास्ता केसरिया के तरफ, और इस तरफ ये रास्ता चला जाएगा छपरा के तरफ, मकेर के तरफ। हमें तो इधर नहीं जाना है, हमें इधर जाना है। और जिस पुल का अपडेट देने जा रहे हैं वो गंडक को क्रॉस कर करके छपरा आने के लिए एक रास्ता होगा। ये आप देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर की रास्ता आ रहा है। चलिए चलते हैं। साहेबगंज बाईपास है और इस तरफ पे साहेबगंज चला जाता है जो मेन बाज़ार है। और ये नीम चौक है, ये बाईपास नया बना है, ये सीधे चला जाता है। और जब बाईपास ख़त्म होगा तो उसके बाई और बंगड़ा घाट जाने का रास्ता है। तो हम साहेबगंज पहुंच चुके हैं, साहेबगंज के नीम चौक पे हम हैं। ये नीम चौक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और चल रहे हैं बंगड़ा घाट। केसरिया 11 किलोमीटर, सोमेश्वर नाथ मंदिर 47 किलोमीटर है। ये साहेबगंज का बाईपास आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इस बाईपास को बने हुए। और ये देख सकते हैं कि इधर डेवलपमेंट का काम जो है, अब किस प्रकार लोग मार्केट वगैरह दुकान वगैरह बना रहे हैं। और इससे गाड़ियों को एक फ़ायदा हुआ है, गाड़ी चलाने वाले को, कि बिना ट्रैफिक की समस्या को झेले हुए लोग आराम से निकल जाते हैं। यहाँ से विश्व शांति स्तूप 42-43 किलोमीटर है और बाबा हरिहरनाथ मंदिर यहाँ से 82 किलोमीटर है। तो लगभग हम यहाँ पर आ गए हैं, एक पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम आ गए हैं। और अभी और 11 किलोमीटर केसरिया तक जाना है और उससे पहले बंगड़ा घाट की तस्वीर।
यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि 63, सिवान 71, गोपालगंज 78, थावे धाम 83, कुशीनगर 145, गोरखपुर 200 किलोमीटर है। केसरिया स्तूपा 0.5 किलोमीटर, सोमेश्वर धाम 35 किलोमीटर, सीतामढ़ी कुंड 100 किलोमीटर, वैशाली 56 किलोमीटर, हरियरनाथ धाम 89 किलोमीटर और पटना 110 किलोमीटर यहां से दिखा रहा है। ये लाला छपरा एरिया है और इस तरफ पे सामने केसरिया है और इस तरफ पे सत्तर घाट जाने का रास्ता है। लेकिन अभी हम फिलहाल सत्तर घाट के तरफ पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले केसरिया की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यातायात संकेत का पालन करें, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये सत्तर घाट जो ब्रिज है ये जाने का ये पहला माइनर ब्रिज यहाँ से शुरू होता है। ये दिखा रहे हैं आपको, ये पहला माइनर ब्रिज है और ये आगे जा के हल्का राइट टर्न कर रहा है। हम उधर चल रहे हैं और दिखाते हैं, गाड़ियाँ आ रही है, साइकिल आ रहे हैं, बाइक आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि जैसा रिपोर्ट मिला है कि चालू हो गया है ये पुल अनऑफिशियली, वो देखते हैं। चल कर ये लगा दिया गया है साइड में ताकि कोई परेशानी ना हो, और उसमें इंडिकेटर जो होता है ये पीला वाला जो देख रहे हैं लाइट में जो रिफ्लेक्ट करता है, नाम भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको, ये भी लगा दिया गया है। लाइट जब गाड़ियों की लाइट जब इसे पड़ेगी तो काफ़ी सुंदर दिखेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार कर्व हो रहा है और सनसेट भी सामने हो रहा है। ये इसका प्रोजेक्ट ऑफिस है, अभी उद्घाटन हो जाएगा तब ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे। ये देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है पथ निर्माण विभाग बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य का नाम नाबार्ड ऋण संपोषित योजना के अंतर्गत गंडक नदी पर सत्तर घाट में उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण। पुल की लंबाई 1440 मीटर 24x60 मीटर, पहुंच पथ की लंबाई 9.070 किलोमीटर दोनों तरफ, नींव का प्रकार कूप नींव है। कार्य पूर्ण की तिथि 19/4/2016, कार्य आरंभ की तिथि 20/10/2012, मतलब कि लगभग इसे 8 साल लगे हैं कंप्लीट होने में इस प्रोजेक्ट को। ये देख सकते हैं 2012 में कार्य आरंभ हुआ था और इसे 16 में कंप्लीट होना था लेकिन नहीं हो पाया। इस पुल का कॉन्ट्रैक्टर है वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और इसे लगभग 8 साल लगे हैं कंप्लीट होने में। अगर लागत की बात की जाए तो लगभग 263.47 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें। मुजफ्फरपुर गोपालगंज सारण डिस्ट्रिक्ट के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा इस पुल के माध्यम से। गंडक नदी पे बनने वाला ये पुल है सत्तर घाट। यहाँ पर आने के लिए वो तो मैं ही जानता हूँ, किस तरह से और किन किन परिस्थितियों का सामना करके हम यहाँ तक पहुँचते थे और आकर के अपडेट देते थे, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है।
जान सकता है वो लोग जान सकते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ यहाँ से इस पार से उस पार आना जाना करते हैं, वो जान सकते हैं। आज मन प्रसन्न हो रहा है, दिल गदगद हो रहा है कि आज ये पुल देर से ही सही 8 साल लगा है इस पुल को कंप्लीट होने में, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, लेकिन देर से ही सही ये पुल कंप्लीट हुआ है। और आपको पता नहीं है कि ये जो दोनों छोर है पूर्वी चंपारण और इस तरफ गोपालगंज और छपरा जाने के लिए, ये रास्ता कितना आसान होगा, कितना लोगों को आसानी होगी इधर से आने जाने में, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने हर्ष की बात है कि यहाँ पर ये पुल इस जगह पे गंडक नदी पे बना है। आइए थोड़ा सा और डिटेल से आपको इस पुल के को दिखाते हैं। आएगा छपरा के तरफ और ये देख सकते हैं कितना सुंदर, अभी इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है, इस रास्ते पे गाड़ियां आ रही है, ये बच्चे लोग घूम रहे हैं, देख सकते हैं ये घूमने के लिए उस पार से इस पार से उस पार आना जाना करते हैं पूरे दिन में। पहले कितना मुश्किल होता था ये, इनके जो पापा है, दादा है, वो बताएंगे कि इस पार से उस पार आने जाने में क्या क्या परेशानियाँ होती थी, और हम भी वो महसूस किए हैं, वो भी हम भी उससे रूबरू हुए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरियर लगा दिया गया है, और बैरियर में जो ये पीला रंग का जो देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करता है, और इससे जो गाड़ियाँ रात में चलती है उसे काफ़ी आसानी होती है। ये इस तरफ हम केसरिया के तरफ कैमरा किए हुए हैं, आपको एक राउंड हम मारेंगे, उधर से आ रहा था तो लाइट ठीक नहीं पड़ रहा था, तो हम आपको दिखाएंगे सामने गंडक नदी दिखा है वो भी दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं। ये जो डिवाइड साइड बैरियर है पेंट कर दिया गया है, और उजला और ब्लू रंग का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पेडिस्ट्रियन है, ये भी पेंट किया हुआ है, बस लोग इसे मेंटेन करके रखें, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी मुश्किल से और युगों इंतजार के बाद इसका निर्माण हुआ है। देख रहे हैं जिस प्रकार से लोग बाई में जा रहे हैं, वो बाई बंद करना होगा तभी पुल का लाइफ बढ़ेगा। जिस नदी को पार करके हम इस पार आते थे, और तरबूज यहाँ पे खूब दिखता था, और जब भी आए तो लेके जाते थे, और अभी भी गाड़ियों के निशान यहाँ पर हैं, चक्कों के निशान हैं, क्योंकि पुल बना है, हाल ही में बना है, अभी तो चालू भी नहीं हुआ है। तो क्या क्या परेशानी हमें होती थी और लोगों को क्या क्या परेशानी होती थी, ये महसूस करने वाली बात है। अब तो नीचे से लोगों का आना जाना बहुत कम होगा, वही आएंगे जिनका खेत वगैरह है, लेकिन ये युगों तक, कई सदियों, दशकों तक, सदियों से कहें, पहली बार पुल बना है इस एरिया में, तो समझ सकते हैं लोग इधर से आना जाना करते थे। इस नदी को अभी शांत देख रहे हैं, लेकिन इस नदी के विकराल रूप को वही जान सकता है जो इसके किनारों पर रहता है और जो इनका सामना करता है इस पार से उस पार आने जाने में। तो यही देख सकते हैं, मैं मन प्रसन्न हो गया है इस पुल को जब मैंने कंप्लीट देखा है। अब लोग आराम से इस पार से उस पार आ जा रहे हैं, इसका उद्घाटन होना बाकी है, उद्घाटन होने के बाद और भी लोग स्मूथली आ जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में मेरिट यही है कि ये बनकर के कंप्लीट हो गया है, और जो डिमेरिट हमें नज़र आ रहा है तो वो है कि पेड़ अभी तक नहीं लगाए गए हैं, रोड के दोनों किनारों पे जो पेड़ लगाया जाता है वो नहीं लगाए गए हैं, और कहीं भी हमें लाइट पोस्ट नहीं दिखा, खंभे नहीं दिखे लाइन के, तो उसकी व्यवस्था नहीं की गई है, ये थोड़ा सा डिमेरिट है, होना चाहिए।
लगा दिया गया है, जिसमें पहले बिहारराज पुल निर्माण निगम लिमिटेड का लोगो है, उसके बाद डूम रसन चौक यहाँ से 8 किलोमीटर, दिघवा दिघौली 23 किलोमीटर, मशरक 27 किलोमीटर है, मोहम्मदपुर 36 किलोमीटर और सिधवलिया 38 किलोमीटर है। और ये इस तरफ के का है, उस तरफ से दिखाते हैं कि उस तरफ से कितना है। इधर रास्ता भी संकीर्ण हो गया है, यहीं तक रोड चौड़ा है, उसके बाद देखते सिंगल रोड शुरू हो गया है। और इस तरफ पे दिया गया है मुजफ्फरपुर 80 किलोमीटर है, बेतिया 81 किलोमीटर है, रक्सौल 115 किलोमीटर है, वीरगंज नेपाल 120 किलोमीटर है, वाल्मीकि नगर 188 किलोमीटर है। तो ये है स्थिति, यही है 70 घाट टारगेट लेकर चला था, जितना टारगेट लेकर चला था आज उसे पूरा करने में सफल हुआ हूँ। और आपको लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने अपडेट भी दिया है हर प्रोजेक्ट का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट है, जो बिहार में प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, काफ़ी मुश्किल से कोई किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण होता है और काफ़ी मुश्किल से वो पूरा भी होता है, तो उसका देख रेख करना हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि उसकी देख रेख करें, ताकि उसका जो लाइफ हो लंबा हो, लॉन्ग लाइफ वो चले। देखा मैंने अभी कि इस पुल पर अभी फिलहाल चालू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस पुल पर जो गाड़ियां चल रही है वो काफ़ी रफ चल रही है। गाड़ी चलाने वाले ये भूल गए हैं कि कितनी मुश्किल से उन्हें ये पुल मिला है, और स्पीड में गाड़ी चलाने में पुल पे असर पड़ता है, ये भूल गए हैं। तो कोई भी पुल हो, नया हो या पुराना हो, उस पे अगर गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दें और थोड़ा सा संभल कर चलें तो उसकी लाइफ बढ़ेगी, ये तो तय है। तो उम्मीद है आप आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी अगर पुल पे क्रॉस करेंगे तो जो गाड़ियों की स्पीड है वो साधारण स्पीड जो आप चलते हैं उसे थोड़ी सी कम होगी, ताकि जो शेकिंग है वो ना हो। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, इनसे का प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। बंगरा घाट का एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इधर से मैं आया हूँ 70 घाट होते हुए, लखनपुर ये इलाका है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है बंगरा घाट जाने का रास्ता। यहीं से बंगरा घाट गाड़ी जाती है, इधर से ही बंगरा घाट वाला पुल लोग जाएंगे जब वो पुल चालू हो जाएगा, और यहाँ से ये 70 घाट की तरफ जाता है, और इस तरफ छपरा और मशरक ये रास्ता चला जाता है। अंधेरा हो गया है इसलिए तस्वीर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। तो यही है, ये देख सकते हैं लखनपुर है ये।